आपने मेरे नेताजी का 6 पुतला जलवाया है, फिर मेरे नेताजी ने बयान दिया था 600 जलवाऊंगा, तो मैं तल जलाने जा रहा हूँ। जलाएंगे आप? 600 में जलाऊंगा। और कल योगी जी ने कहा कि जितने भी माफिया हैं कुल चचा जान है अखिलेश जी के। अच्छा ये बात बता दे, चाचा चाहे तो एक मिनट में योगी जी तो स्वतंत्र दंडे ठीक उनते। अरे वो खत्म नहीं यार, वो मत छोड़ना। अरे वो खत्म नहीं, वो खत्म। आप पहले नंबर राम जी का मुद्दा था, वहां से हार दे। इनता हिंदू मुस्लिम में तनुन था, ये भी हार दे। अब ये सोच रहे कि आप पे हमारे लड़ाई दरवाते यही मुद्दा बनाए, तो इनका मुद्दा चलने वाला नहीं है। और आपका मुद्दा एकदम फेल होते हुए जा रहा है। अब आपका मुद्दा ये है कि आप अब मंदिर में जा लीजिए, अब उठा लीजिए झोला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपिए, यही करिए। आप तो सीट पे बैठने का कोई हक नहीं है। जब उनका मैं पुतला जलाऊंगा, मेरे नेताजी का पुतला जलाया दिया है, तो मैं जलाऊंगा। आदेश भी लोगों कैसे जलवा दोगे किसी का पुतला? हाँ, कहीं आदेश भी लोगों कैसे जलवा दोगे? कैसा आदेश? अभी आदेश लेना पड़ेगा। कैसा आदेश? मैं नहीं लूंगा आदेश। पुलिस पकड़ लेगी तब तुमको? ले जाने दो पुलिस, पुलिस से डरते हम लोग नहीं? डरते हो? ले जाए पुलिस। चुनाव भी होने वाला है 10 सीटों पर, क्या कहोगे? जिस तरह से अभी से लग रहा है कि सियासत गरमाई हुई, इस बात को लेकर क्या कहोगे? बहुत अच्छा होता और समाजवादी पार्टी जीतेगा, और ऐसा माने राठी अध्यक्ष जी आने वाले समय तक मुख्यमंत्री हैं। फिर तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव में तुमको बैन लगा दिया गया, फिर बैन लगा दिया जाए? भारतीय जनता पार्टी तो बच्चा है, आर्यन बाबू है, मेरा बहुत अच्छा मित्र भी है। गाना जो गाता तुम्हारे साथ रुआया, मेरा मित्र भी है। और बीजेपी मतलब और अभी किशन जी का प्रचार दिया है। तुम ऑब्जेक्शन नहीं की? दिनेश जी का प्रचार दिया है, पवन सिंह का प्रचार दिया है, तो भैया उन पे रोती हूँ नहीं लेता, हमारे पे रोती हूँ लेता है। तो आपने पूछा नहीं किसी से? तो इसलिए आप फिर मैं 10 सीटों पे जा रहा हूँ, जिसे रोतना हो रोत ले। साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रमन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ, समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता नवरतन लाल हैं, जिनको लेकर हम लोग काफी दिन से ढूंढ रहे थे, लेकिन आज मुलाकात हो गई, मैं बातचीत इनसे करूंगा। स्वागत है नवरतन लाल जी। पहले नंबर आप तो चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हैं, आप तो चैनल से चाहने वाले हैं, आप तो चैनल से देखने वाले हैं, उन सबका स्वागत अभिनंदन है। अखिलेश जी ने योगी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं है। सही बोले, गलत क्या उसमें? योगी जी तो कह रहे हैं, गलत क्या है? योगी जी तो कह रहे हैं कि यादव और मुसलमान लगातार गुंडई कर रहा है, या उसमें गलत क्या है? अच्छा, यादव तो आप माफिया बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कुछ भी आप गलत बोल रहे हैं। तो ये बताइए, मंदेश यादव तो आप किसी यादव तो आप मरवा सकते हैं, ये क्या गलत है? वो तो कह रहे हैं मुठभेड़ मारा गया। अच्छा, अब तो कुछ बहाना आ जाएगा, बहाना तो हजारों मिल जाएगा, बहाना तो सब बना लेगा। कह रहे हैं नहीं मरवाते तो पुलिस को गोली लग जाती। अच्छा, ये आदमी तो एक गरीब के बेटे तो मरवा दो और पुलिस तो गोली लग जाएगी, ये उनका तनून है, ये योगी जी का तनून है। वो तो कह रहे हैं माफिया, ये गरीब तो मरवा दो, यही तनून है उनका ना। गरीब है कि माफिया था? माफिया था, कहाँ से माफिया था? कितना मतलब अर्जी लगवा दी उनने? और क्या फर्जी लगवा दी? हाँ, कैसे आप कह रहे हो बताओ? फर्जी कैसे नहीं लगवा सकते? ये हर चीज, आप पहले नंबर राम जी का मुद्दा था, वहां से हार दे। इनता हिंदू मुस्लिम में तनुन था, ये भी हार दे। अब ये सोच रहे कि आप पे हमारे लड़ाई दरवाते यही मुद्दा बनाए, तो उनका मुद्दा चलने वाला नहीं है। और आपका मुद्दा एकदम फेल होते हुए जा रहा है। अब आपका मुद्दा ये है कि आप अब मंदिर में जा लीजिए, अब उठा लीजिए झोला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपिए, यही करिए। आप तो सीट पे बैठने का कोई हक नहीं है। आपने मेरे नेताजी का 6 पुतला जलवाया है, फिर मेरे नेताजी ने बयान दिया था 600 जलवाऊंगा, तो मैं तल जलाने जा रहा हूँ। 600 जलाएंगे आप? 600 में जलाऊंगा। और कल योगी जी ने कहा कि जितने भी माफिया हैं कुल चचा जान है अखिलेश जी के। अच्छा ये बात बता दे, चाचा चाहे तो एक मिनट में योगी जी तो स्वतंत्र दंडे उनते। अरे वो खत्म नहीं यार, वो मत छोड़ना। अरे वो खत्म नहीं, वो खत्म नहीं, राजनीति स्वतंत्र दंडे, वो लोग वही समझ रहे हैं। नहीं, वो मत समझिए। अरे नहीं, वो नहीं। तो चचा जान कैसे कर रहे हैं बताओ? अब इतना जाते हैं
अब किसी से कोई बात नहीं बना तो फिर चाचा पे याद है। और चाचा तो अभी है, चाचा तो थोड़ा सही से जान नहीं पाए तो इन्हें, और चाचा के बहाने बोलने पहले उनके तार तलता से वो बोल ले, फिर चाचा पे जाएंगे। और जब उनका मैं पुतला जलाऊंगा, मेरे नेताजी का पुतला जलाया दिया है तो मैं जलाऊंगा। आदेश भी लोगों कैसे जलवा दोगे किसी का पुतला? हाँ, कहीं आदेश भी लोगों कैसे जलवा? कैसा आदेश? अभी आदेश लेना पड़ेगा। कैसा आदेश? मैं नहीं लूंगा आदेश। पुलिस पकड़ लेगी तब तुमको? ले जाने दो पुलिस, पुलिस से डरते हैं हम लोग। नहीं डरते हो? ले जाए पुलिस। हाँ, नहीं डरना। हाँ जी, भैया बोला था मैं ना, सही बोला था मैं। अच्छा बताओ, चुनाव भी होने वाला है 10 सीटों पर, क्या कहोगे? जिस तरह से अभी से लग रहा है कि सियासत गरमाई हुई, इस बात को लेकर क्या कहोगे? बहुत अच्छा होगा और समाजवादी पार्टी जीतेगा और ऐसा माने राठी अध्यक्ष जी आने वाले समय तक मुख्यमंत्री हैं। फिर तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव में तुमको बैन लगा दिया गया, फिर बैन लगा दिया जाए? भारतीय जनता पार्टी तो बच्चा है, तो आर्यन बाबू है मेरा बहुत अच्छा मित्र भी है। वो गाना जो गाता तुम्हारे साथ रुआया उसका रील? मेरा मित्र भी है। अच्छा। और बीजेपी मतलब, और अभी किशन जी का प्रचार दिया है। तुम ऑब्जेक्शन नहीं की? दिनेश जी का प्रचार दिया है, पवन सिंह का प्रचार दिया है, तो भैया उन पे रोती हूँ नहीं लेता, हमारे पे रोती हूँ लेता है। तो आपने पूछा नहीं किसी से? तो इसलिए आप फिर मैं 10 सीटों पे जा रहा हूँ, जिसे रोतना हो रोत ले। नहीं रुकोगी इस बार? नहीं रुकूंगा। हम तो पहले थोड़ी तरुण का पालन करे, बोली नहीं ये तरुण पालन करने वाली नहीं है। जय हिंद, मुकदमा लिख देगी तुम्हारे ऊपर तो बताइए। जय हिंद, जय समाजवाद। चलिए देखिए, नवरतन लाल है जो बड़े नेताओं की एक पहचान इनकी बन चुकी है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हूँ। इस बात को लेकर मैं बताना चाहता हूँ कि नवरतन लाल अपने आप में एक छोटा नेता नहीं, अपनी बात को लेकर बड़ा नेता माना जाता है। और खबरों को दिखाऊंगा, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।